सामने में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। अभी झारखंड सरकार ने एक आदेश निकाला है कि छठ में लोग घाट में जाके अर्घ नहीं दे सकते हैं, जिसको लेके काफी विवाद हो गया है। खुद कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी में भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं, और उसके प्रवक्ता जो है जेएमएम के, वो मुख्यमंत्री से भी मिलने पहुंचे हैं ताकि इसको वापस लिया जा सके। मेरे साथ आज स्टूडियो में इसी की चर्चा पर है मेरे साथ सीपीएम के सेक्रेटरी, जिला सचिव गणेश कुमार सीटू और रुद्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राज। तो आइए जानते हैं इनसे पर इनकी राय। स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में। सबसे पहले गणेश कुमार सीटू जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो फैसला है सरकार का, ये कितना गलत है? गलत तो है क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सही बात है, कोरोना है, महामारी है, सरकार की एक भूमिका है। लेकिन छठ के पहले झारखंड के अंदर जो घटनाएं घटी उसको देखते हुए अगर ये कहा जाए तो सरकार का ये फरमान तुगलकी फरमान है। अभी हाल में दो उपचुनाव हुए, पक्ष विपक्ष बड़ी बड़ी जनसभाएं की सभाएं किए, टोली बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, उसके बाद सरकार के लोग काउंटिंग किए। उस वक्त कोरोना महामारी का याद नहीं आया, अभी याद आ गया। क्यों? तो ये इसको आप इस देखिए कि ये जनभावना है। मैं चूंकि ये प्राकृतिक महापर्व है और आप जब देखेंगे तो कई दूसरे धर्म के लोग भी इस पर्व को उतना ही निष्ठा पवित्रता से मानते हैं जितना हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। तो सरकार का ये फैसला है जो जनभावना के खिलाफ है। और ऐसे मैं बता दूं कि आज मैंने सरकार को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को, और उनको ट्वीट भी किया है, मेल भी किया है, और हार्ड कॉपी भी हम आज भेजे हैं कि ये जनभावनाओं के खिलाफ है और इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसमें हमको लगता है कि सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार का मशीनरी उनका अधिकारी होता है और जमीन पर सरकार का कोई भी काम अधिकारी करते हैं। तो उनको सरकार को ये परामर्श देने के पहले सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ये सरकार का फैसला गलत है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, अधिकारी क्या हावी है सरकार पे? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार, हम तो ये कहेंगे कि ये अधिकारियों की एक साजिश है। इस साजिश से सरकार को बचना चाहिए और अभी समय है। 18 तारीख को नहाए खाए का है, 19 तारीख को खरना है, और ये पहला अर्घ जो 20 तारीख, उसके पहले सरकार को ये आदेश वापस ले लेना चाहिए। झारखंड में जो अभी फिलहाल जो घटनाएं घटी, क्योंकि इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ कोरोना का रेशियो घटा नहीं, बढ़ा, और कई दिनों से झारखंड पूरे देश के अंदर जो जो कम पेशेंट वाला राज्य है उसमें हम भी हैं। तो जब हमारे यहाँ पेशेंट कम हो रहा है, रिकवरी रेट अधिक है, इस तरह का बेतुका फैसला या तुगलकी फरमान किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। रुद्राज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये छठ का पर्व है, ये कहा जा रहा है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने स्टार्ट किया था, तो महाभारत काल रामायण काल में भी प्रमाण है ये छठ होता आया है तब से, तो सरकार का ये जो फैसला है कितना आहत हुआ है इसे हिंदू समाज? हिंदू समाज ये जो पूजा में भी ये लोगों ने फरमान जारी किया कि लाइट नहीं जलेंगे, साउंड नहीं बजेंगे, उससे पहले भी अन्य कई धर्मों के त्योहार थे उसमें ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं लाया गया। और हम सब ही क्यों हर चीज में समझे, दिवाली आती है तो पटाखे पे बैन लगा दिया जाता है, छठ आती है तो घाटों पर बैन लगा दिया जाता है, दुर्गा पूजा आता है तो 4 फीट की मूर्तियां के लिए निर्देश आ जाते हैं। तो ये सब अंग्रेजों का जो काल था वो दोहराया जा रहा है, और ये जो सरकार है ये पूर्णतः हिंदू विरोधी है, मेरा मानना यही है। और अगर समय रहते सरकार ने गाइडलाइन वापस नहीं लिया तो हम लोग इसका खुल के विरोध करेंगे। बात, लेकिन एक बात और है इसमें, जो मेडिकल काउंसिल बोल रहा है, WHO भी बोल रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिवाली को लेके कहा कि अगर पॉल्यूशन होगा तो जो कोरोना के पेशेंट होते हैं फेफड़ों पे उसका असर होता है, तो अगर धुआं फैलेगा, पॉल्यूशन होगा तो उससे उस पेशेंट को बहुत परेशानी होगी। रही बात छठ की, तो अगर वो डुबकी लेते हैं वहां पे, तो रत्ती के साथ और भी कई लोग डुबकी लेते हैं, अगर कोई भी कोरोना संक्रमित होगा तो वो फैलने का एक खतरा हो जाएगा। नहीं, WHO का कहना सही है, लेकिन सरकार को इससे पहले इसके जो बचाव में कार्य करना चाहिए। प्रदूषण के लिए आप कितने पेड़ लगाए अपने अपने राज्य में या फिर अपने अपने जिलों में, प्रदूषण को नियंत्रण करने में आप उसी रेशियो में पेड़ भी लगाए। लेकिन कोरोना तो प्रदूषण से नहीं जुड़ा हुआ है, कोरोना में अभी फिलहाल है कि लोग बीमारी एक दूसरे से फैल रहा है जी,
तो ये फैलने की बात है कि अगर लोग छठ में झील पर जाएं और तालाब पे जाएं, वहां पे अगर व्रती तालाब में उतर रही है पानी में, उसमें से कोई भी अगर इन्फेक्टेड हुआ तो ये फैलने का खतरा है। हमारा राज्य में शुरू से कोरोना का जो मरीज है या फिर कोरोना पॉजिटिव है वो इसका रेशियो कभी बढ़ा नहीं, और जहाँ तक मेरा जानना है या मेरा मानना है तो ये सब कहने की बात है, राज्य में कभी भी स्तर बढ़ा नहीं है मरीजों का, और बचाव किया जाए, बचाव के लिए जो अपना है जो उसको कैसे उसका जो है वो गाइडलाइन, कोई बेबुनियाद गाइडलाइन नहीं लाया जाए जो हिंदुओं के हित में हो या फिर श्रद्धालुओं के हित में हो वो गाइडलाइन। लेकिन अगर व्रती जाएंगी घाट पे, अगर सरकार छूट दे देती है, इस प्रतिबंध को हटा लेती है और व्रती अगर घाट पे जाती है, भीड़ तो उमड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, जैसा हम लोग हर साल छठ में देखते हैं, उस स्थिति में ये कोविड का जो प्रोटोकॉल है या जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ेगी, ये हम सब जानते हैं, तो इससे बचाव का क्या उपाय है और सरकार कहाँ गलत है फिर इसमें? जागरूकता लाने का विषय है, ये प्रतिबंध लगाने का चीज नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं का महापर्व कहा जाता है, जैसा कि भैया ने कहा सारे धर्म मिलके छठ करते हैं, तो इसमें जागरूकता लाने का विषय है, ये प्रतिबंध लगाने का विषय नहीं है। गणेश सिटू जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जागरूकता कैसे आएगी जब लोग अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, बाजार में आप लोगों को देखिए 80% लोग तो मास्क ही नहीं लगा रहे, जो कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका सबसे अहम चीज है वो। देखिए, जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात कीजिएगा तो आप अप्रैल से देख लीजिए, WHO खुद अपना प्रोटोकॉल के चेंज करते रहा। अभी हाल में एक बार तो पहला बोले N95 बहुत सेफ है, पहनना चाहिए, बाद में WHO बोलते हैं N95 खतरनाक है। उसके बाद WHO का भी हाल में कहा है कि अकेला व्यक्ति जो कार में जा रहा है उसके लिए मास्क जरूरी नहीं, अकेला बैठे। तो इसका मतलब है कि WHO भी धीरे धीरे सब कुछ समझ रही है। अभी आप रामायण महाभारत की बात कहें तो आप सही कहा, हम कोई भी फैसला अतीत को नजरअंदाज करके नहीं ले सकते, और बहुत पुरानी अतीत नहीं कहेंगे, अभी हाल में जो अभी जो हमारा 3 तारीख को चुनाव हुआ, तो छठ में ठीक है भीड़ होगा, महासभा जो आम सभा हुआ बड़े बड़े नेताओं का वहाँ भी तो भीड़ हुआ, भीड़ होने के बाद जहाँ जहाँ आम सभा हुआ वहाँ एक पेशेंट पॉजिटिव नहीं निकला, तो उसको देखते हुए सरकार को ये समझना चाहिए कि छठ में भी भीड़ होगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर सरकार को लगती है कि वैसा कोई बात है तो आपके पास पूरा मशीनरी है, उसका आप उपयोग कीजिए ना, कौन आपको रोका है, आपके पास तो बहुत। अभी जैसे आप प्रदूषण की बात कर रही, अभी दीपावली में दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण था, क्या हुआ वहां पर? कुछ नहीं हुआ। तो प्रदूषण के नाम पे प्रदूषण एक दिन से नहीं होता, एक दिन पटाखा फोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या कि हम कोरोना को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और यही वजह भी है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। नहीं, देखिए दरअसल बात क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कोरोना के लेकर के शुरू से जो भय का वातावरण बनाया गया, और हम देखते हैं जैसे हमारे बगल में वियतनाम है, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, डेथ रेट कितना है, पूरे वियतनाम में मात्र 7 लोग मारा गया। तो अगल बगल की ठीक है, आप सेफ्टी के लिए जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आनंद फानंद में एकदम स्टैंड रिलीट की कोई घाट नहीं जाएगा, संभव नहीं। गणेश सिटू ने बात की वियतनाम की, भारत की बात करें या चीन की बात करें या कोई भी बड़े कंट्री की बात करें, आबादी ज्यादा हो, डेंसिटी पॉपुलेशन की बात होती है, वियतनाम और भारत दोनों में बहुत अंतर है। अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज या फिर जो बसा हुआ है, कोई भी शहर तो बड़ा सकरा है, लोग अगर आते जाते हैं, शहर सकरी है, फैलने का ज्यादा खतरा है कोरोना को, उस स्थिति में ये जो बातें कर रहे हैं कितना सही है ये बात, क्योंकि घाट पे नहीं जाना है, उससे पहले खुद सरकार के लोग घाटों का सफाई अभियान में लगे हुए थे, अचानक से ये लोग ले आते हैं अपना गाइडलाइन और थोप दिया जाता है, तो इसका तो विरोध होगा। बहुत लंबे समय से मैं भी यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो पहली बार देख रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट दोनों एक हैं एक किसी मुद्दे पे, पहली बार। जबकि मैंने जो पढ़ा है कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी इसको, उसमें कहा गया धर्म जो है अफीम की तरह है,
तो आपसे समझना चाहेंगे इस बात को गणेश सिटी जी, आप जो पढ़े हो गलत है। धर्म, मार्क्स ने धर्म को कभी अफीम नहीं कहा। मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है। बिल्कुल, वो कहा है धर्म एक अफीम है। एक अफीम है, हाँ, एक अफीम अफीम है, हाँ, एक अफीम है, वो कहा है। बिल्कुल, लेकिन अफीम से तुलना तो की है ना उन्होंने। देखिए 84 वर्ड है। मार्क्स ने जो धर्म की परिभाषा दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विश्व का कोई भी धर्म गुरु वैसा व्याख्या नहीं के। पहला लाइन पढ़िएगा तो मार्क्स ने लिखा है, हृदय विहीन विश्व का हृदय है धर्म। इतनी बड़ी बात आज तक कोई नहीं। उत्पीड़ितों माने जिसको हम लोग दमित गरीब परिवार बोलते हैं, लोग बोलते हैं, उसकी आ है धर्म। और मार्क्स ने वही जहां पढ़े अफीम उसके ठीक नीचे वाला लाइन में लिखा है कि धर्म पे हमला करके धर्म को शहीद मत करो। हमला करना है तो उन कारणों पे हमला करना, जिन कारणों के चलते धर्म की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मार्क्स को लोग ही करता शुरू से, ये कोई आज की बात नहीं। तो मार्क्स तो आज सही है, धर्म पे हमला हो रहा है अगर ऐसे देखें तो। मार्क्स जो आप मार्क्स को पूरी पढ़िएगा तो मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो चीज है वो मनुष्य को, अब जैसे आप बोले अफीम, आपके पास बड़ा इंटरेस्ट, जरा गूगल कीजिए तो अफीम नशा नहीं, बहुत बड़ा औषधि है, 3-in-1 है। अभी आप डॉक्टर के पास जाइए, पेन किलर अलग लिखेगा, नींद के लिए अलग लिखेगा, एंटी कोल्ड अलग लिखेगा, वो मेडिकल टर्म में सही है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी चीज का अगर चरम पर बात करें हाँ, तो अफीम सबका वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। नहीं नहीं, तब तो फिर आप अभी छाप रहे हैं डेली, कॉरेक्स पकड़ाया, कॉरेक्स पकड़ाया, तो आप उन डॉक्टर से पूछे कि 3 महीना बच्चा को कॉरेक्स क्यों लिखते हैं, उसका भी तो एक डोज है। तो डोज है, आप खाना खाते हैं घर में शाकाहारी मांसाहारी कोई का, एक्स्ट्रा डोज करने से आपको भी नुकसान पहुंचता है। चाहे मटन खाइए, चिकन खाइए, पनीर खाइए, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा खा लीजिएगा तो वो होगा। इसलिए जो चीज है उसका व्याख्या लोग अपने अनुसार समय समय पर करते गए हैं। लेकिन जहां तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, मार्क्स ने धर्म को किसी समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी समझा है। और इन्हें इसीलिए जो शुरुआती दौर में जर्मन पर ऊपर हमला पोप लोग किया कि जो आदमी बैठता है कि हृदय विहीन विश्व का हृदय धर्म है, फिर हमारा तो लोटिया डूब जाएगा, पोप लोग का यह कहना था। और मार्क्स ने आप पूरी पढ़ लीजिए, उतना मोटा किताब नहीं पढ़ रहा है, वो बहुत छोटा सा है, बुक है मार्क्स ऑन रिलीजियस, उसमें 64-65 शब्द का व्याख्या। उसको पढ़ने के बाद हम दावा करें कि जो ये कहते हैं कि मार्क्स धर्म के विरोध है या कम्युनिस्ट पार्टी लोग धर्म के विरोध, हम किसी धर्म के विरोध नहीं है, हम धर्म की आजादी के पक्षधर हैं। लेकिन धर्म लोग स्वेच्छा से मानते, आप मनाइए ना धर्म, घर में जिसकी पूजा करना दम तक कीजिए, पड़ोसियों को बुलाइए, खूब खिलाइए पिलाइए, हम लोग धर्म के विरोधी नहीं है। लेकिन आप धर्म मनाने के नाम पे आजकल जो हो रहा है उसके हम लोग विरोधी, क्योंकि आप कोई भी धर्म पढ़ लीजिए, हम लोग भी पढ़े, कोई धर्म में अन्याय शब्द नहीं है कि आप हमारे धर्म के भगवान के नाम पर किसी पर अन्याय कीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या फिर सिख धर्म हो। रुद्रराज जी का कहना है कि सिर्फ हमारे ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नहीं देखिए, अब ऐसा है कि अपना अपना सोच है, सिर्फ ये ऐसा नहीं है। अब दिल्ली की सरकार का भी आदेश आया हुआ है और कोरोना के आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सरकार लोग ये बोल रहे हैं, जैसे दीपावली में हुआ, पहले पानी के नाम पर होली में बोलते थे कि पानी नहीं खर्चा करना है, लैट्रिन जाने वक्त दबा देंगे 20 लीटर पानी बह जाएगा, लेकिन होली के दिन बोलेंगे नहीं भाई आज रंग नहीं खेलना है, नहाने में आपका बेसी पानी का। तो ये सब फर्क है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है या किसी को लगता है, ऐसा नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि इससे पहले भी जो अन्य धर्म के त्यौहार थे उसमें कहाँ तक गाइडलाइन जारी हुआ था और कितना उसका पालन किया गया था। हमारे पास भी अभी तक वीडियो पड़ा है, पहले मुहर्रम था कुछ दिन पहले, उसमें लोग बेबाक कोरोना भय से रहित थे, बिना कोई मास्क, बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो लोग त्यौहार मना रहे थे। और हमारे धर्म के त्यौहारों में गाइडलाइन आ जाता है, ये हर त्यौहार में देखा जा रहा है। इसके पहले भी दुर्गा पूजा में हम लोग सरकार का विरोध किए थे, मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी भी लिखे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम लोग PIL भी दायर करने वाले थे हाईकोर्ट में, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया, खैर वो सब बीत गई। लेकिन अभी हम लोग का आस्था का बात है, सरकार को चाहिए कि नया गाइडलाइन जारी करे या जो गाइडलाइन जारी किया है उनको डिसमिस कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तब
हम लोग के धर्म पर या हम लोग के त्योहारों पर घात होगा तो हम लोग प्रतिघात करेंगे, हम लोग विरोध पे उतरेंगे, सारे सनातन धर्म के लोग उतरेंगे। नहीं तो ऐसा लगता है सिद्धू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जितने लोग यहाँ त्योहार करते हैं छठ, बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं, पूरा शहर इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको लगता है कि अगर सरकार अपने फैसले से इस आदेश से पीछे नहीं हटी तो लोग क्या मानेंगे? देखिए, एक बात हम बता रहे हैं कि अभी जो समय बीत गया, बहुत कुछ अभी भाई जी बोले तो हम ईद को भी देखें, ईद का क्या हाल था, आप लोग पत्रकार हैं पूरे घूम के थे, ईद भी वैसे अभी सारे पर्व त्योहार चाहे किसी भी धर्म के हो प्रतिबद्ध में ही बीता है। हाँ, तो मोटा मोटी लोग बनाते हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह से वो मार्केट खोल दिए, मॉल खोल दिए, सिनेमा हॉल खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, उसके खोलने के बाद हमको नहीं लगता है कि लोग मानेंगे, क्योंकि अभी आपका बगल में डेली मार्केट है, आप जाइए डेली में, कौन ऐसा दिन है कि 20-25 हज़ार का भीड़ वाणी होता है सुबह से शाम तक, तो मान के चलिए तो हमको लगता है कि 4 से 5:30-6 बजे तक का ये पहला दौर है और नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का है। गैदरिंग अब डेली मार्केट हमको 7 बजे सुबह खुलता है, 8 बजे रात तक चलता है, वहाँ तो गैदरिंग दिन भर रहता है। तो इसको देखते हुए सरकार को देखिए, सरकार का जो काम है अपना काम करें, आपका जो गाइडलाइन दीजिए कि लोग अपने से ख्याल रखें, ये करें, लेकिन डायरेक्ट ये कहते हैं कि घाट पर नहीं जाए, घर पे मनाए। घर पे हमारा व्यवस्था क्या है, मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसका एक मान एक रूम है जिसमें बेडरूम बोलिए, किचन बोलिए, ड्राइंग रूम बोलिए, डाइनिंग हॉल एक ही रूम है, कहाँ से वो अपना अर्घ देने के लिए घाट बनाएगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके पास जो नहीं, हम ये नहीं बोले कि 5 व्यक्ति ही जाए, आप बोले ग्रुप बना करके अलग अलग जगह गैदरिंग मत कीजिए, हम व्यवस्था दे रहे हैं आपको कि आप इतना जगह, जैसे इसके पहले जो राशन बांटा गया या जो कुछ भी हुआ सरकार व्यवस्था की, लोग वैसा लिए, तो आप अगर व्यवस्था करके लोग अवेयर कीजिएगा। एक ऐसा था कि लॉकडाउन के समय पूरे मेन रोड में कर्फ्यू लगता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि हर मामले पर कम से कम ऐसे जो संवेदनशील इशू है उस पर उनको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए था और एक ऐसा विचार देना चाहिए जो सर्वमान्य हो। अब मान लीजिए कहाँ कहाँ सरकार रोकेगी, शहर में आपका व्यवस्था रोक दीजिए, इंटीरियर जो बड़ा बड़ा गांव है वहाँ पर आप कैसे रोक पाइएगा? अब मान लीजिए कटकम सांडी थाना कितना फोर्स है, कितना जीप है, कितना वो पेट्रोलिंग के लिए तेल देते हैं, और ब्लॉक का इलाका देख लीजिए, हमको लगता है कि 27 से 28 पंचायत है, क्या संभव है वहां पर ईद देना? सरकार को कोई भी फैसला करने के लिए कि हमारे पास जो क्षमता है क्या उसको हम लागू करवा पाएंगे? लागू हो पाएगा रुद्रराज जी, अगर सरकार अगर कोई अगर ऐसा बनाए नियम कि जैसा इन्होंने कहा कि रिजर्वायर जो है जो घाट है वहां पे तय कर दिया जाए कि ये लोग इस घाट पे जाएंगे, वो मोहल्ला के इस घाट पे जाएंगे, ऐसा अगर कुछ तय कर दे तो लगता है संभव कि लोग मानेंगे? जिस बड़े स्तर पर हजारीबाग में ये आयोजन होता है, जितना भीड़ रहता है त्योहार में, जितना शहर में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रोड पे रहते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो लोग मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। अपना जो सतर्कता है वो बरते, लेकिन ऐसा गाइडलाइन के बेसिस पे काम ना। लेकिन ठंड का मौसम है, शुरू हो गया है जी, छठ आते आते ये बढ़ेगा, और जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है उसमें कोरोना के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है, इस बात को हम नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? भैया ने कहा कि 2-3 घंटा का काम रहता है, शाम 4 बजे से 7 बजे तक समाप्त हो जाता है और सुबह भी 2-3 घंटा, इस बीच में कितना कोरोना पेशेंट बढ़ जाएगा और इस जितना भी डर और भय है लोगों में इसी समय आना है। वही 2-3 घंटे काफी है कोरोना वायरस के लिए, लोग सतर्क होकर काम करें। जैसा कहा भैया ने कि घाट में सोशल डिस्टेंसिंग बना ले, एक परिवार यहाँ है तो कुछ फीट दूर दूसरा रहे, ऐसा करके पर्व मनाया जा सकता है। लेकिन चाहेंगे सरकार या प्रशासन चाहेगी कि डरा धमका के या फिर जबरदस्ती कराना वो नहीं हो, वो संभव नहीं हो पाएगा, और अगर ये करवा भी पाते तो शहर में, बाकी गांव में ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे